नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी। बूंदी हम बना रहे हैं दो तरह की, एक बना रहे हैं दूध वाली बूंदी और एक बना रहे हैं सिंपल पानी से डो बनाने वाली बूंदी। आइए कैसे बनाते हैं। ये मैंने 2 कप छना हुआ बेसन लिया है एक पतीले में और ये 2 कप बेसन लिया है दूसरा। एक मैं बनाने वाली हूँ पानी से, एक मैं बनाने वाली हूँ दूध से। बेसन हमारा छना हुआ है, छना हुआ इसलिए कि जिससे इसमें गिल्ट नहीं बनती, वरना गिल्ट बन जाएगी जब हम घोलेंगे तब। अब इस बेसन में हम डालेंगे तेल, रिफाइंड तेल। इसमें एक एक टेबलस्पून, ये टेबलस्पून हम एक एक दोनों में डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, और आधा आधा चम्मच दोनों में बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये हमने डाल दिया बेकिंग सोडा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। दोनों में हम ऑयल डाल रहे हैं, ये 1 टेबलस्पून इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें, दोनों में हमने डाल दिया। ये डो बना रहे हैं हम पानी से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हम घोल लेंगे इसको। ये देखिए, ये इस तरह से डो बन गया हमारा, और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे और मिक्स करके अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आपको अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन इस तरह से गिराने पर इस तरह से सीधा सीधा गिरे। इसको अच्छे से एक ही साइड फेंट के और हम एक तरफ 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम दूध वाला तैयार कर लेते हैं। दूध, इसमें ऑयल और बेकिंग सोडा हम डाल चुके हैं और दूध डाल के 1 कप दूध डाला और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखेंगे दूध की जरूरत और है तो और डालेंगे। देखिए दूध 1 कप मैंने मिक्स कर दिया, मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा दूध और डाल देंगे और इसको और मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा घोल, ऐसे बिल्कुल सही है ये, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। इसे थोड़ा सा और करना चाहे तो कर सकते हैं। ये लो, बिल्कुल जरा सा मैंने दूध और मिक्स कर दिया और ये हमारा घोल एकदम रेडी हो गया है। इसे भी हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब जितनी देर के लिए ये 10 मिनट में हमारे घोल सेट होते हैं, उतनी देर में हम बूंदी की चाशनी के लिए चीनी और पानी गैस पर रख देते हैं। 4 कप हमने चीनी ले ली और इसमें 3 कप हम पानी डाल देंगे। 1 2 और ये 3 कप हम पानी डाल देंगे और हम गैस ऑन करके और इसको चाशनी बनाएंगे। किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी हमने, बस चिपचिपा हमारा ये चाशनी बस चिप चिप तैयार हो जाए, कोई तार नहीं बनेगा, ना एक बनेगा ना दो बनेगा। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार है, हमें कोई भी तार नहीं चाहिए, बस थोड़ी चिपचिपी चाशनी बन गई है हमारी। ये देखिए बस इस तरह से चाशनी बन गई, आप अपनी 2 फिंगर के बीच में ऐसे लेके देख लीजिए, बस इस तरह से हमारी उंगलियां चिपकने लग जाए, बस ऐसी चाशनी हमें चाहिए। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारी बूंदी। ये हमने घी डाला है बूंदी तलने के लिए और इस जर्रे से पूरियां तलने वाली जो हमारी चलनी है, इससे मैं पूरियां ये बूंदी बना रही हूँ। ये हमने सबसे पहले लिया है, जो हमने दूध में डो बनाया था वो डो लिया है सबसे पहले मैंने। गैस को थोड़ा सा एक बार कम कर दिया और अब हम इस झर्रे पर इस तरह से बेसन का घोल डाल देंगे और ये हमारी बूंदी नीचे आने लग गई है। बस इस जर्नी को हमने हिलाना नहीं है, अपने आप से बूंदी नीचे चली जाएगी और उसके बाद वापस इसमें हमने ले लिया। ये देखिए बूंदी बहुत अच्छी हमारी तैयार हो गई है और हम इन्हें ऐसे जाली में रख देंगे। इस तरह से हम सारी बूंदी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम एक बार इसको
बूंदी को निकाल लेते हैं, तब हमको इसे झर्रे को पीछे से अच्छे से साफ कर लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी सारी बूंदी एकदम गोल बने। ये देखिए हमारी जो दूध वाली बूंदी है वो बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी में 2-3 इलायची पाउडर फॉर्म में मैंने डाल दी है। अब हम इसमें सारी ये बूंदी डाल देंगे। ये देखिए ये बूंदी पूरी तरह से चाशनी में चली, चाशनी पूरी की पूरी बूंदी में चली जाएगी और इस बूंदी को हम निकाल लेंगे और वो जो हमने पानी वाला घोल तैयार किया है बूंदी का, वो बूंदी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ये हम इसमें से निकाल के और चलनी में डाल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी हमारी वो निकल जाएगी और हमारी बूंदी ऊपर रह जाएगी। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा चाशनी हम वापस से डाल देंगे। ये हमारी दूध वाली बूंदी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसी तरह से पानी वाली बूंदी है, जो पानी का डो है, उसको हम फ्राई कर लेते हैं बूंदी को। और जो चाशनी है उसमें अब हम सैफ्रोन का या वैसे ही केसरिया कलर, लड्डू वाला कलर डाल के हम उस बूंदी को कलर भी दूसरा दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये भी बूंदी हमारी तल के बिल्कुल तैयार है और हमने इसमें केसर कलर डाल दिया है, सैफ्रोन कलर इसमें डाल दिया चाशनी में, और ये सारी बूंदी हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बूंदी देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है, ये दूध वाली बूंदी। और ये बूंदी हमारी चाशनी में हमने डिप कर दी, इसे भी हम इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे अभी जर्री में डाल के। बूंदी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये जो हमने पानी वाली बूंदी बनाई थी पानी के डो में, उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए चाशनी बिल्कुल लग चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे बूंदी को, इसमें थोड़े से रोज पेटल्स सूखे हुए, देखिए इस तरह से, थोड़े से पिस्ता, बादाम और ये बीज, अगस्त के जो बीज आते हैं बाजार में, ये तो देखिए। और हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पहले से इसमें है, सैफ्रॉन भी आप डाल सकते हैं थोड़ी, डालना चाहे तो। ये देखिए बहुत सुंदर हमारी बूंदी बन गई है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपको, ये जो हमने डो बनाया था इसी में से थोड़ा सा डो अलग निकाल के हम उसमें थोड़ा सा बीटरूट का रस यदि डाल देते हैं तो हमारी बूंदी पिंक कलर की बन जाएगी, तो हम इसमें पिंक कलर की बूंदी भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बूंदी बिल्कुल तैयार है। एंजॉय कीजिए, खाइए, खिलाइए, एक शानदार डेजर्ट बनाइए घर में। थैंक यू।